नमस्कार व्यूअर्स तथा लिसनर्स, सुष्मिता क्लासरूम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके लिए पाखी की कहानी का 7वां अध्याय वह नादानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मुझे बताइएगा तथा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ पाखी की कहानी का 7वां अध्याय वह नादानियाँ। ऐसे ही पाखी जब 10-12 साल की हुई तो उसे जासूसी किताबें पढ़ने का बहुत शौक चढ़ा। ये आदत उसको नीचे वाले भैया से पड़ी। गर्मियों की छुट्टियों में दोपहर को पाखी, उसका भाई, नीचे वाली दीदी और भैया चारों एक साथ बैठकर जासूसी किताबें पढ़ा करते थे, जिसमें शर्लक होम्स की तो बहुत सारी कहानियां होती थी। भैया उन कहानियों को पढ़ते और बाकी लोग उनको सुनते और मन ही मन उन कहानियों का चित्रण करते। पास में किताब की दुकान पर ऐसी कहानी की पुस्तकें किराए पे मिलती थी। एक किताब का एक दिन का किराया शायद 1 रुपए होता था। उस समय के दिन ही कुछ और थे। बच्चों के लिए साइकिल भी किराए पे मिलती थी। पाखी के भाई ने किराए पे साइकिल लेकर साइकिल चलाना सीखा था। पाखी का भाई जब 6ठी कक्षा में गया तो उसे दूर के विद्यालय में भर्ती करवाया गया। आने जाने की सुविधा के लिए उसे नई साइकिल खरीद दी गई। वो बहुत खुश था नई साइकिल को पाकर। पर एक दिन शाम को सहमा हुआ घर आया, पता चला कि उसकी साइकिल खो गई है। जासूसी कहानियों का असर तो था ही, उसने साइकिल खोने की एक रोमांचक कहानी बनाकर बताई, जिससे वो डांट से बच गया। पर पाखी को कहां चैन आने वाला था, आखिर उस पर भी जासूसी कहानियों का प्रभाव था। उसने अपने भाई को पुचकार कर प्यार से उससे असलियत उगलवा ली कि उसने वो साइकिल किसी गरीब को दे दी थी। ऐसे ही कितनी सारी घटनाएं हुआ करती थी। पाखी छोटे में अपने बाबा के साथ लंबे सैर के लिए जाया करती थी, जिससे उसे सड़कों का बहुत ज्ञान हो गया था और उसे इस बात का आत्मविश्वास भी था कि वो कभी खो नहीं सकती। ऐसा कई बार हुआ कि वो खोते खोते बच गई। एक बार जब वो 7-8 साल की थी, वो लोग अपने होम टाउन गए हुए थे। वो एक बहुत बड़ा शहर था, उसके लिए तो एकदम नया। एक दिन वो लोग शहर में बस से कहीं जा रहे थे, उन्हें किसी स्टॉप पे उतरना था। बस रुकी तो पाखी उतर गई। माँ बाबा तथा भाई बस में ही रह गए और बस चल गई। बाबा ने जोर से चिल्लाकर उसे वहीं रुकने को कहा, पर पाखी कहाँ सुनने वाली। पाखी को याद आता है कि वो एक बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़क थी। पाखी ने बस की दिशा में चलना शुरू किया। उधर उसके माँ बाबा भाई अगले स्टॉप पर जल्दी से बस रुकने पर उतर के घबराते हुए वापस आने लगे और बीच रास्ते में पाखी उन्हें मिल गई। पाखी जब कॉन्वेंट में जाने लगी तो उसे अपनी प्रिय छोटी बहन तथा सहेली, जो उसकी छोटी मौसी जी की बेटी थी, उसे नया स्कूल दिखाने का बहुत मन हुआ और वो भी देखना चाहती थी। उन दिनों मौसी जी, जो पास के शहर में रहती थी, अपने बच्चों के साथ आई हुई थी। एक शाम जब वो लोग पार्क में खेलने गए, वो अपनी बहन को लेकर स्कूल दिखाने चल पड़ी, जो करीब 2 किलोमीटर दूर तो था ही। इधर अंधेरा होने लगा। वो दोनों घर नहीं लौटे तो माँ को चिंता होने लगी। भाइयों से पूछने पर उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें तो कुछ भी नहीं पता। आखिर माँ और मौसा जी उन्हें ढूंढने निकल पड़े, पर बाबा को विश्वास था कि वो खो नहीं सकती। आखिर थोड़ी दूर जाने के बाद वो दोनों लड़कियां हाथ पकड़कर वापस आती हुई उन्हें मिली। उसके बाद की डांट तो आप समझ ही सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी कितनी ही घटनाएं थीं जिसके बारे में पाखी ने कभी किसी को नहीं बताया। उसके नृत्य की कक्षा में एक लड़की थी जो उससे जूनियर थी। उसका नाम था सुमन। सुमन को नृत्य कक्षा के बाद अकेले शाम को घर जाने में डर लगता था। पाखी घर में बिना बताए उसको नृत्य कक्षा के बाद उसके घर छोड़ने जाती थी।
नृत्य के प्रथम वर्ष में थी तथा पाखी अब द्वितीय वर्ष में। प्रथम वर्ष में चमड़े के पट्टे पर लगे घुंघरू पहनने पड़ते थे जो काफी महंगे आते थे। द्वितीय वर्ष में घुंघरुओं की संख्या और बढ़ा दी जाती थी तथा भारी घुंघरू पहनने पड़ते थे। पाखी के चमड़े वाले घुंघरू अब घर में रखे हुए थे, वो अब उसके काम के नहीं थे। पाखी ने माँ को बिना बताए वो घुंघरू सुमन को दे दिए, क्योंकि सुमन ने कहा था कि उसके पिताजी उसे घुंघरू नहीं खरीद कर दे रहे हैं। कॉन्वेंट में तीसरी कक्षा में पाखी की क्लास टीचर थी सिस्टर बेपिस्ट्रा, जिन्हें पाखी बहुत प्यार और सम्मान करती थी। जब पाखी चौथी में पढ़ रही थी तो उसे पता चला सिस्टर बेपिस्ट्रा बहुत बीमार है तथा मरियमपुर हॉस्पिटल में भर्ती है। मरियमपुर शहर से थोड़ा दूर था। पाखी का मन छटपटाता था उन्हें देखने का। माँ से पूछने पर माँ ने बताया कि उन्हें तो नहीं पता मरियमपुर कहाँ है। पाखी की क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था उषा। उषा ने बताया कि उसकी माँ वहाँ काम करती है। एक दिन पाखी घर में बिना बताए स्कूल की छुट्टी के बाद उषा के साथ मरियमपुर जाने के लिए निकल पड़ी। दोनों पैदल ही चलने लगे। आखिर ईश्वर ने उसे सद्बुद्धि दी। थोड़ा जाने के बाद पाखी को अपनी माँ की याद आ गई और वो वापस लौट आई, नहीं तो न जाने उस दिन उसकी माँ की क्या दशा होती। पाखी तो इन सब से बेखबर थी। धन्यवाद। सदा सुखी रहें।